अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको अभी वीडियो में नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये थी मरियम हॉल अटक। अभी हम उसमें दाखिल हो गए हैं और अभी हम आपको दिखा रहे हैं अंदर का व्यू। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग का इंतज़ाम था। ठीक है, और ये इसकी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर, तीन फ्लोर थे इसके। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो स्टेयर्स बनी हुई हैं और बहुत सारे लोग घबरा रहे थे इन पे चढ़ते हुए, लेकिन हमारे लिए कोई इशू नहीं था। हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे, लेकिन हम बड़े आराम से जो है वो इनको क्रॉस कर गए। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग का फानूस, कितने प्यारे लगे हुए हैं ये आप देखें यहाँ पे। ठीक है, और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे मेरे साथ। अब यहाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊँगा। ये यहाँ पे ये बच्चों के स्पोर्ट्स का जो है वो इंतज़ाम था। ठीक है, और ये बच्चे यहाँ पे इन भाई साहब से ले रहे थे टोकन और मुख्तलिफ़ किस्म के क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट जो ग्रुप्स बने हुए थे वहाँ यूज़ हो रहे थे। जैसे ये मशीन थी, स्कूटी थी, इसमें यूज़ हो रही थी, और बाइक राइडिंग थी, रेसिंग बाइक थी ये वाली। ठीक है, और ये मेरा बेटा मुनिम है, ये यहाँ पे जो है अपनी एक्सपर्टी दिखा रहा है। लेकिन चूंकि पहली दफ़ा चला रहा था तो इसलिए इससे उतना अच्छा जो है वो रिज़ल्ट नहीं दे पाया। बार बार जो है वो डिवाइडर के साथ लग रहा था, फेंसेस के साथ इसकी बाइक लग रही थी, लेकिन दो चार बार विज़िट के बाद बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। फिर रोड के सेंटर में चलाता है, अच्छे से टिल्ट कर लेता है, मोड़ अच्छा मोड़ सकता है, तो इसको मज़ा बहुत आ रहा था। अभी जैसे ये देखें, इसका कहीं और तवज्जो जा ही नहीं रही, बिल्कुल स्क्रीन पे इसकी नज़रें जमी हुई हैं, एंजॉय कर रहा है ये। और बाकी ये बच्चे साथ खड़े थे, ये अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे। ये देखें, ये देख, ये लगा यहाँ पे सही चला रहा है, मोड़ भी सही लिया इसने, ये फिर लगा साइड पे, ये साइड पे लगा, ये फिर सेंटर में आया, ये साइड पे लगा, ये देख, ये और फिर साइड पे लग गया। तो इसका इसकी टेक्निक ये होती है कि आपने स्लोली टिल्ट करना है। अगर आप एकदम से करेंगे तो आपका खेल ख़त्म, जैसे इसका ख़त्म हो जी। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि इस पूरे मॉल का Gracias.
सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? देखिए आप चढ़ रहे थे वहाँ बस आधे पहुँच गया, बहुत ही ऊपर चलते हैं।
जाने की ट्राई में है और वो उसमें कर हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही यूनिक किस्म की एक्टिविटी थी, बिल्कुल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंग्लिश मूवी का सीन चल रहा हो और हीरो जो है या हीरो या चोर आप जो भी कह सकते हैं वो खजाना पुराने के लिए जा रहा हो और उसके रास्ते में ये जो घूम रहे हैं उसके बाद फिर मोरेल जो है वो भी गया था उसमें भी इसने जिस तरीके से विकास किया था वो आप देखेंगे तो करेगी सिर्फ एक टॉय है और आपकी बच्चों को अगर टच हो भी जाए तो मतलब इसमें कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं छोटा सा मान जा रहा है और इतना छोटा था कि सेंटर से सब तरीके से भी लग गया था, किसी ऊपर से करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई और माशाल्लाह उसने सक्सेसफुली जो है फोकस कर दिया था उठा रहा है उसने सक्सेसफुली जो है चार साल का बेटा ये मेरा आपने दोनों राउंड कर लिए थे मोहित, तीनों राउंड कंप्लीट हो गए। मोहित आपने लेजर वाला राउंड कर लिया, ओके आपकी मैंने वीडियो बनाई है।
जी तो दोस्तों, जैसे पहले एक शॉट में बात हो रही थी कि हम हैं इस वक्त नरिया मॉल के अंदर और यहाँ पे खूब गहमा गहमी है। ईद का पहला दिन है और लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है, मेरे बिल्कुल अकब में है दीवाने ख़ास और आप देख सकते हैं कि खाने के शौकीन हजरात यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और कैसे खचा खच ये भरा हुआ है। मैं आपको यहाँ से अगर दिखाऊँ तो अभी हम एंटर हुए थे तो कोई भी टेबल जो है वो फ्री नहीं है, तो हमें 15 मिनट वेट करने का कहा गया। तो मैंने कहा चलें तब तक आपको थोड़ा सा यहाँ के हालात बता देता हूँ। तो अब मेरी बैक साइड पे आप ये देखें लिफ्ट है और लोग इसको भी एंजॉय कर रहे हैं। बाकी क्या कहते हैं, चिल्ड्रन वर्ल्ड में तो आपने देख लिया, वहाँ पे प्ले ग्रुप था, खूब बच्चों ने एंजॉय किया और बहुत चिल किया। अभी जब हम दीवाने खास में एंटर होंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इनका मेन्यू क्या है और खाना कैसा है और क्या सिस्टम है। ठीक है जी, छोटी सी ब्रेक। किया तो उसने क्रीपी वे से है कि सबके नीचे से ही गुजर गया, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत। जी ये पार्टी रूम है, यहाँ पर आप अंदर जाके जो है वो तस्वीरें बना सकते हैं। बड़ा सजा हुआ कमरा है, ये देखें अगर मैं आपको दिखाऊँ जी। तो मैं बात कर रहा था इस रूम की, तो बीच में हमें टेबल की भी इंफॉर्मेशन आई कि खाली होने वाला है, लेकिन अभी फिर मैं इधर आ गया हूँ। तो ये इसकी वॉल्स बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेटेड हैं और देखिए कैसी पेंट हुई हुई है, बीच में पॉट पड़ा हुआ है और आप कहीं भी खड़े होकर पिक्स बना सकते हैं। हम अंदर जाने वाले हैं और पिक्स बनाते हैं। दीवाने खास में दाखिल हो चुके हैं और हमारा टेबल जो है वो साफ हो चुका है और तमाम फैमिली मौजूद है। ये मेरी मिसेज और बेटा और यहाँ पर मौजूद है रूठा हुआ इंसान, मुंह उस तरफ करके बैठा हुआ है मोहित। मोहित इधर देखें, हाय कर दें। और ये मरवा है। ठीक है जी, तो अभी डिसाइड हो रहा है कि हमने क्या खाना है, मेन्यू आ चुका है, मेरी मिसेस डिसाइड कर रही हैं और देखते हैं कि क्या आता है, फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या होगा। जी तो भूख जो है वो इस वक्त चीखें मार रही है हमारे समेत और हम इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। तो ऑर्डर फाइनल हो चुका है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है। जी दजाज मंडी चिकन है जी ये, और ये है 2500 रुपये। ठीक है, सर्विंग फॉर 4 पर्सन होता है, होल चिकन विद स्किन, पोटैटो वेजीज, ड्राई नट्स एंड लेबनीज सॉस विद अरबियन मंडी राइस। ठीक है जी, अभी हम आ जाता है, बंदा बुलाते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में रिव्यू ले लेते हैं। बाकी इसके साथ रोटी, इसके साथ राइस आएंगे। ठीक है, पूरा चिकन रोटी के साथ एडिशनल ले लेंगे। नान खाना है किसी राइस और ये ड्राई होगी। ठीक सही सही जी, बच्चों को हमने लगा के दे दिए हैं कार्टून, ये कार्टून देख रहे हैं। ठीक है, और इनका टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है इनका, और मुमिन भी जो है वो वेट कर रहे हैं
खाने का, और मुझे तो भूख लगी हुई है, सही बात है, सीधी सी बात है, और मैं मुझसे अब मज़ीद वेट नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए आप ज़रा बताएं कमेंट्स में। जी तो हमारा जो है वो दजाज चिकन आ चुका है दजाज मंडी, और उसके साथ साथ सॉस, रायता, रोटी सब कुछ आ चुका है। अभी मोरनी उसको कट करने की कोशिश कर रहा है। जी देखना भी तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, ये देखें जी अनवील हो चुका है और बहुत यम्मी लग रहा है। आप इसको डिश आउट करते हैं और फिर बताते हैं कि व्हाट एक्चुअली दिस इज़। जी तो डिश आउट हो चुका है दजाज मंडी, और अभी हम जो है टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये कैसा है खाने में। जी इट्स रियली गुड, वाओ। जी तो ये मंडी दजाज मंडी जी, और इसमें राइस और ये साथ में मेरी रिलेटेड चिकन। मैं चावल नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए जो है वो रोटी ऑर्डर की थी, और मज़ा आ रहा है बस। जी कैसा लग रहा खाने में, अच्छा लग रहा है? फैंटास्टिक। और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि खाएंगे? जी आप यहाँ पे जरूर आए और इनके इस डिश को जरूर ट्राई करना। ओके okay. जाते जाते बच्चों की डिमांड थी हमने आइसक्रीम खानी है, तो ये हम सब ने इनको आइसक्रीम दे दी, और ये एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम को। जी यम्मी। हमारा विजिट ख़त्म हो गया जी, हम जा रहे हैं अब वापस, और अभी हमारा रुख है पार्किंग की तरफ, जहाँ पे हमारी सवारी हमारा इंतज़ार कर रही है। चलें जी मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जी अभी पहुंच गए हम अपनी गाड़ी में, तो बात हो रही थी कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये देखें यहाँ से इसका व्यू कितना प्यारा लग रहा है। मैं भी मुंह इस तरफ करता हूँ, थोड़ी सी रोशनी पड़ जाए। ये लें जी ठीक हो गया, खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अल्लाह हाफिज़।